हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा इडली, और भी बिना स्टैंड के, बिना बेकिंग पाउडर के बनाएंगे फ्रेंड्स, बिना इनो पाउडर के बनाएंगे, वो भी कम से कम टाइम में बनाएंगे, और बिल्कुल कम खर्चे में ये इडली बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ चटनी भी बनाएंगे। मैं 200 ग्राम आलू ली हूँ, आलू को काट ली हूँ और छिलका हटा के आलू को उबाल ली हूँ। और आलू उबाल लेने के बाद मैं आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी, बिल्कुल पतला मैश करेंगे आलू को। मैं आलू को अच्छे से पतले मैश कर ली हूँ। इसको बनाने के लिए मैं फ्राई पैन ले रही हूँ। फ्राई पैन में एक बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ, आधी चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च, दो तीन लहसुन की कलियाँ बारीक कटा हुआ, दो चिटकी हींग डाल के 30 सेकेंड के लिए हम मीडियम फ्लेम पर मिर्ची को भून लेंगे। एक प्याज बारीक कटा हुआ डाल के इसको हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे एक चम्मच। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला। इन मसाले को डाल के एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम मसाले को भून लेंगे। मसाले भून लेने के बाद हम आलू मैश करके रखे हैं, उसको आलू को डाल के मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट हो गया है मेरे को भूनते हुए। मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता डालूँगी, और धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स करके हम गैस ऑफ कर देंगे, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब चटनी इसको बनाएंगे। चटनी के लिए मैं एक बड़े साइज की प्याज ली हूँ, 5-6 छोटी टमाटर है चीरा लगा ली हूँ, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्ची, और एक बड़े गिलास पानी डाल के इसको उबाल लूँगी। जब टमाटर उबल जाए तो टमाटर को ठंडा करके इसकी छिलका निकाल लेंगे। मैं एक बड़ी सी छन्नी में निकाल ली हूँ और इसका छिलका हटा ले रही हूँ। गर्म है फ्रेंड्स, तो हाथ जलेगा, ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। और एक मिक्सी के जार में डाल देंगे हम सारे टमाटर को और मिर्ची प्याज को, और उसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक और थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल के 2-3 चम्मच पानी डाल के इसके मिक्सी में पीस के प्यूरी तैयार कर लेंगे। इसको तड़का देने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में मैं 1 छोटी चम्मच तेल डाल रही हूँ, आधी चम्मच राई। राई जब तड़कने लगेगा तो हम टमाटर की प्यूरी डाल के मीडियम फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। थोड़ी सी मिक्सी के जार में पानी डाल के अच्छे से मिक्सी को धो के हम चटनी में डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इस चटनी को पका लेंगे, और एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अब हम बनाते हैं इडली। इडली बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल ली हूँ, आधी कटोरी उड़द दाल, इसको रात भर के लिए भिगो दी हूँ। थोड़ी सी मेथी दाना डाली हूँ आधी चम्मच। इनको छान के मैं मिक्सी के जार में इसको मैं पीस लूँगी। थोड़ी सी पानी डाल के इसको आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पीस के तैयार हो गया है। बिल्कुल पतला पीसना है, और एक बॉल में निकाल लेंगे, और इसको पूरी रात के लिए हम रख देंगे। सुबह बनाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी डो अच्छे से फॉर्मेट हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट हुई है। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल के और 1 छोटी कटोरी पानी डाल के अच्छे से बैटर को मिक्स कर ले रही हूँ। एक कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में मैं केक स्टैंड रखती हूँ, उल्टा रखी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सीधा नहीं सेट हो रहा था। मैं मसालेदानी की कटोरी ली हूँ, और कटोरी में थोड़ी तेल डाल दूँगी, और अच्छे से कटोरी में तेल लगा दूँगी। और मैं बटर पेपर यूज कर रही हूँ, और बटर पेपर में भी मैं तेल लगाई हूँ ताकि इडली हमारा अच्छे से निकल जाए। सारे मैं बैटर डाल दी हूँ, और मैं फिलिंग उसका बन को अच्छे से गोल कर देंगे, और एकदम गोल टिक्की की शेप देंगे, छोटी छोटी बनाएंगे। अच्छे से हम इसकी टिक्की की शेप दे लेंगे, और जितनी हम इडली बनाने के लिए रखे हैं ना बैटर कटोरी में, उसमें इसको डाल के ऊपर से थोड़ी थोड़ी और बैटर डाल देंगे। और हमारा पानी उबल रहा है, इसमें हम कटोरी रख देंगे। आप चाहे तो सीधे ही कटोरी रख दे बिना केक स्टैंड के, तब भी हमारी इडली अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। इसको ढक के हम मीडियम फ्लेम पे
10 से 15 मिनट के लिए हम पका लेंगे। और बीच में मैंने चेक की थी, 5 से 6 मिनट में हमारी इडली अभी नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं इडली अच्छे से बन गई है। मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और फिंगर से चेक कर रही हूँ तो हमारे हाथ में नहीं चिपक रहा है, हमारा इडली बन के तैयार हो गया है। अब ऐसी कढ़ाई में 5 से 6 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी और ठंडा हो जाए तो हम इसको निकालेंगे। इडली को ठंडा हो जाएगा तभी निकाले फ्रेंड्स। एक कटोरी लेंगे इडली वाली और चाकू की मदद से इसको हम कोने छुड़ा लेंगे और ऐसे हम हाथ पे रख के उल्टा थोड़ी सी कटोरी में ठोकेंगे तो हमारी इडली आराम से निकल जाएगी, क्योंकि हम बटर पेपर लगाए हैं इसके लिए। हमारी इडली एकदम जालीदार बनी है, आप देख सकते हैं। बिना इडली स्टैंड के हम बनाए हैं इडली को और बिना इनो बिना बेकिंग सोडा को हम बनाए हैं और बहुत अच्छे से ये हमारा इडली बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत कम टाइम लगता है। अब मैं एक प्लेट में सारी इडली को निकाल ली हूँ। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना जालीदार बना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना जालीदार हमारा इडली बन के तैयार हुआ है। ऐसे आप भी घर पर इडली बना सकते हैं और मैं इसको चटनी के साथ सर्व करूँगी। आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।